आप देख रहे हैं टीवी सेवन न्यूज यूपी, आपका स्वागत है दोस्तों। आपने सुना होगा कि अच्छा खासा दोस्त भी दुश्मन बन जाता है। जी हां, कुछ ऐसा ही वाकया हुआ है। जो व्यक्ति एक मित्र के लिए एक तरीके से मान के चला जाए, बिजनेस के पार्टनर के लिए जो हो सकता था वो लंबे समय तक किया, लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है कि नियत खराब कर देती है, और नियत इस तरीके से खराब हुई जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। जब एक मित्र अपने बकाए भुगतान को लेकर अपना बकाया पैसा मांगा, तो बदले में उसको मिली धमकी। धमकी से जब पेट ना भरा तो मिला मुकदमा, मुकदमे पे मुकदमा। जी हां, ऐसा ही कुछ वाकया नगर पंचायत इल्तफातगंज का सामने आया है। एक ऐसा मित्र जो अपने मित्रता को निभाते हुए धंधे में भी शामिल रहा, चुनाव भी लड़ाया, चुनाव में भी विराजमान भी हुई, 5 साल कार्यकाल भी बीता, लेकिन क्या बिगड़ी कि आज इतनी दूरी है कि एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। हमारे साथ पीड़ित ही मौजूद है जो आज मुकदमों को लेकर चारों तरफ से घिरा हुआ है। पीस पार्टी के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीड़ित कमरू भोदा उर्फ चुन्नू सलमानी जी। चुन्नू सलमानी जी, आपका टीवी सेवन में स्वागत है। क्या है पूरा मामला? जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष शौकत जहां जी हैं, उनके प्रतिनिधि निजाम अहमद, क्या है पूरा मामला आपका, ये विस्तार से बताओ आप। कैसे बात बिगड़ गई? बात बिगड़ गई काफी दिन, 2015 से हम लोगों का पार्टनरशिप में बिजनेस था, रियल एस्टेट कारोबार हम लोग करते थे, तो काफी दिन तक ये बिजनेस चला हमारा जी। 2018 में इनकी वाइफ जो है चुनाव लड़ना चाहे, तो चुनाव हम लोगों ने अपने सहयोग से, और मैं ही नहीं पैसा उसमें लगाया था, मेरे साथ साथ उनके मेरा 5 लाख लगा था, उनके भाई का 5 लाख महमूद का लगा था, शंकर यादव का पैसा लगा था, डॉक्टर बिलाल का पैसा लगा था जी। काफ़ी पैसा खर्चा करने के बाद इलेक्शन जीत लिया गया, और उसके बाद जब जीतने के बाद शपथ लेने के बाद वृक्षारोपण का कार्य मुझे दिया गया, और वृक्षारोपण के काम में मुझे 20 लाख रुपया और भी जो निर्माण कार्य थे 20 लाख रुपया निजाम ने लगवाया मुझसे जी। फर्म मेरी थी नहीं क्योंकि हम लोग परमानेंट ठेकेदार थे नहीं, इन्होंने अपने सगे संबंधियों को के पैड पे मुझे काम करवाया, और मुझे ये नहीं पता था कौन करवाया, निजाम अहमद ने, निवर्तमान अध्यक्ष प्रतिनिधि ने, अध्यक्ष पत्नी निजाम अहमद ने जी करवाया। मुझे ये इतना विश्वास था कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। फिर पेमेंट के लिए बातचीत हुई, पेमेंट आनाकानी करने के, कौन सा काम आपको मिला था? वृक्षारोपण का काम करवाया था, बाकी और भी खड़ंजा निर्माण। ये काम कब हुआ है? 2018 में हुआ है, ये मई अप्रैल मई से काम शुरू हुआ था, और ये काम 2-3 महीने में चला था। कितनी वृक्षारोपण लग गए हूँ? 500 वृक्षारोपण बीच लगाए गए थे, जिसका टी गार्ड बनाया गया था ईंट से जी। 2200 रुपये एस्टिमेट थी एक वृक्षारोपण की जी, 2200 रुपये यहाँ एस्टिमेट थी एक वृक्षारोपण की, तो 500 लगवाया गया था, और 500 वृक्षारोपण में लगभग 20 लाख रुपया निवेश करवाया गया था मुझे जी। बाकी और भी पैसे थे, और फर्नीचर भी ये अपने घर में सोफा भी मुझसे खरीदवाए, और बेड भी लिए, बेडशीट भी लिए, उसका भी पैसा हुआ, और 2,50,000 रुपया जो था ये पोस्टर बैनर पे अलग से खर्चा करवाया था चुनाव में। तो जब इस पैसे की बात हुई तो उन्होंने मुझसे किनारा करना शुरू कर दिया, और फिर अब एक महिला अपने महिला सभासद थे जो उस समय गौकसी का धंधा करता था, कौन, परवेज अख्तर जी, उसकी पत्नी जो है जो उस समय सभासद थी, क्या नाम है उसका,
गुलशन जहां नाम था, तो उनसे संपर्क करके वो मेरे ऊपर 354 का मुकदमा करवा दिया, छेड़खानी का मुकदमा। तो मैं मुकदमे के बारे में इतना मुझे नॉलेज नहीं था, फिर मैं समझा कि ऐसा मुकदमा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कुछ मैं उसमें कुछ किया नहीं। तो पता ही चला कि 2 महीने बाद ये तालमेल बना के फिर चार्जशीट लगवा दी। अब चार्जशीट में अब बार बार मेरे पास नोटिस आने लगी। अब मैं जब अपने वकील से समझने गया तो बोले कि नहीं, आपको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद फिर बीच में जब लास्ट समय हुआ ख़त्म करने का वक्त, मतलब उनका चुनाव कार्यकाल ख़त्म हुआ, तब फिर मैंने पैसे के लिए डिमांड किया, तो उन्होंने एक मुकदमा फिर करवा दिया मेरे ऊपर कि मैं और मेरे भाई शमशीर अहमद और मेरे बहनोई अनीस अहमद मिल, ये हम लोग उनकी दुकान बिछड़ के 25,000 रुपया लूट लिए और उनको जान से मारने की धमकी दी। इस तरह से एक षड्यंत्र के और अदालत को गुमराह करके जी। ये 156(3) के तहत आदेश करवा लिया। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि जब पैसे का मामला है तो वो कहीं भी बैठ जाए, इनके इनका परिवार इतना बड़ा है कि डॉक्टर बिलाल के यहाँ बैठ सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, शंकर यादव से इनका बहुत अच्छा घराना है वहाँ बैठ सकते हैं, महमूद अपने छोटे भाई के यहाँ मुझे बुला सकते हैं, कहीं भी मुझे बुला लें, पैसे का लेन देन है तो उसको ख़त्म कर लिया जाए बेहतर है। अगर वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह मुकदमा करने से क्या वो पैसा मेरा ख़त्म हजम कर लेंगे? ये तो कोई मामला नहीं कि पैसा आप मांगो और मुकदमा लो, बस यही चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अभी और षड्यंत्र रची जाएगी, इलेक्शन भी आ गया है, अब वो निजाम अहमद की इतनी हैसियत नहीं है, इतना विरोध हो चुका है कि एक अध्यक्ष पद सभासद का चुनाव नहीं लड़ सकते हो। 5 साल में ऐसा क्या उन्होंने किया कि उनका उनके साथ एक एक करके सारे साथी साथ छोड़ दिए? क्या एक धोखा माना जाए अपनों के साथ? धोखा ही माना जाए कि एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि वह आज के डेट में प्रत्याशी अध्यक्ष पद के बनने को तैयार होने से भाग रहे हैं? भाग रहे हैं, उसकी वजह है कि अपने भाई का खुद वो पैसा नहीं दिए। मेरे विचारोपण में उन लगभग 5 लाख की ईंट जो है, महमूद उनके छोटे भाई हैं, उनके भट्टे से ईंट आई थी, उसका भी पैसा जो है निजाम ने नहीं दिया और मेरा पैसा वो खुद निकाल लिया। ये महमूद के ऑडियो मेरे बातचीत में खुलासा भी उन्होंने किया है कि आपका पैसा वो निकाल लिया और मेरा पैसा जो है वो नहीं दिया। तो ऐसी विभिन्न परिस्थितियों में जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो आप मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक से और जिलाधिकारी से क्या मांग करना है? जो पैसे के बदले मुकदमा आपको मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या आप मांग करेंगे? और मांग क्या करेंगे, हम तो यही चाहते हैं थाना अध्यक्ष से भी जाके मुलाकात करके कि साहब आप ही लोग मामले को हल करा दीजिए, उनको बुला लीजिए, हमको बुला लीजिए। अब वो तो एक ही मामला बचा है कि माननीय मंत्री जी से अब कहना है और उनके पास मैं खुद जाऊँगा, दो तीन दिन में जाऊँगा, लालजी वर्मा जो हमारे यहाँ के विधायक जी हैं और इनसे काफ़ी इनसे लगाव भी है अध्यक्ष प्रदीन निजाम अहमद से। अब वही एक रास्ता बचा है कि उन्हीं के दरवाजे पर जाएँ और बैठ के सारे मसले का हल निकाला जाए, और जो इन्होंने मुकदमे बार बार मुकदमा करा रहे हैं, ये क्या कारण है, आखिर वजह क्या है कि बार बार मेरे ऊपर मुकदमा करवा रहे हैं? अगर मेरा पैसा नहीं इनके पास नहीं है तो बैठ के बताएं चार आदमी में, चार लोगों में बैठ के कि हाँ आपका पैसा मेरे पास नहीं है। जब पैसे की डिमांड आती है तो फिर मुकदमा हो जाता है। मतलब इस मामले को आप व्यक्तिगत तौर से समझा, मतलब सरकार तो कहीं तो स्थिति बन नहीं रही है, कहीं नहीं बन रही है ना, क्योंकि मुकदमा तो एक चार्जशीट लग चुकी है, मुकदमा एक 354 के मामले में, छेड़छाड़ के मामले में तो एक चार्जशीट लगी, वहां तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, थर्ड पर्सन एक है, वहां से कोई सवाल ही नहीं है, दूसरा मुकदमा ये आपके लिखने की तैयारी है। अब इतनी बड़ी छवि का आदमी हाजी रफुल्ला, हमारे यहाँ के टाइगर माने जाते थे, उन्हीं के ये लड़के हैं और डॉक्टर बिलाल के मशहूर आदमी, डॉक्टर बिलाल के भी ये बड़े भाई हैं। अब इनको बताइए, इनको कोई मार दे नगर पंचायत में, किसी को कानो कान खबर ना हो, 2 महीने के बाद ये मुकदमा करा दें अदालत से कि इल्तफातगंज में ऐसे लोगों के षड्यंत्र में आप जान लो घिन आती है। तो क्या लगता है कि क्या ये जिसका प्रचार करेंगे अध्यक्ष पद के लिए या सभासद, क्या वो चुनाव हार जाएगा?
अब उस वर्तमान में सपा सपा के दावेदार उसका तो असर चल रहेगा, सपा पद के दावेदारी मान जा रहे इरफान अंसारी जिसमें चुनाव मैदान में चुनावी सरगर्मी चल रही है, क्या इस पैसे के लेन देन के बदले मुकदमा जो हुआ है, क्योंकि आपके भाई एक मोबाइल के कारोबार में जो मुझको जानकारी मिल रही है, आपके बहन बहनोई भी उसी दुकान पर रहते हैं, तो ऐसे साफ स्वच्छ छवि वाले को भी मुकदमे में लपेट देना, तो क्या इसका असर दिखेगा चुनाव में? अब इसका असर तो दिखेगा, क्योंकि काफी लोगों में ये आक्रोश भी है कि मतलब ये निर्दोष को क्यों बजाया जाए बजाया जा रहा है, जब पैसा मांग रहा है वो बैठने के लिए कह रहा है, उनके भाई भी जितने भाई हैं 3-4 भाई भी कह रहे हैं कि बैठे बैठ के मामला हल करा लो, अपने भाइयों से खुद कहता है कि आप लोग मेरे बीच में मत पड़िए, मैं चुन्नू से निपट लूंगा, तो ये निपटने की बात इनके अंदर आ गई, इनके अंदर इतना गुरूर हो गया, इतना घमंड हो गया कि मैं किसी के साथ भी ये करवा सकते हैं, इतनी हल्की मतलब इतनी छोटी सोच जी। इतनी छोटी सोच लेकर अपने घर में अपने भाइयों के बीच में कैसे बैठता, अब किसी भाई से इसकी बैठती नहीं, सारे भाइयों ने इसे किनारा कर लिया, क्योंकि ये पूरे अपने पिताजी का नाम डुबो दिया, जिससे जिससे हम लोग गर्व होता था कि हमारे इत्तेफाक में कोई हाजी रफीउल्लाह जी हैं, अब तो इनके अब ये लोग इनकी जो नस्ल हैं इन लोगों से लोग घिन करने लगे हैं, नफरत करने लगे हैं। क्या इस संबंध में जो ये षड्यंत्र के मुकदमे जो लिखाए जा रहे हैं, क्या इस संबंध में उच्च अधिकारी और उच्च नेता सत्ता के लोगों से शिकायत करने का मन बनाए? क्या कभी शिकायत वगैरह हुई? शिकायत वगैरह सारे लोग जानते हैं इस मामले को, ऐसा नहीं है, सारे लोग जानते हैं, मगर अब न्याय की उम्मीद कहीं से दिख रही है आपको? न्याय की उम्मीद तो दिखेगी, ऐसा नहीं, मंत्री जी से मुझे पूरा विश्वास है, माननीय लालजी वर्मा जी से पूरा विश्वास है कि वो उनके पास ही मामला जाएगा तो वो हल निकालेंगे इस मामले का। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे कमरुद्दीन उस्तुनु सलमानी। आपको बता दें कि ये निवर्तमान प्रतिनिधि निवर्तमान अध्यक्ष शौकत जहां जी के जो प्रतिनिधि हैं निजाम अहमद जी, उनके पार्टनर रहे हुए हैं, चुनाव में अच्छा सहयोग भी किया था। इनका आरोप है कि पैसे के लेन देन 20 लाख मांगने पर उनको मुकदमे हिस्से में मिल रहे हैं, ऐसे में वह कटरी विधानसभा के सपा के विधायक से मिलकर अपनी बातों को कहकर न्याय की उम्मीद जगाए हुए हैं। अब देखना होगा पीड़ित को न्याय मिलता है या मुकदमा। खैर जो भी हो, जो सूचनाएं आ रही हैं सीजीएम न्यायालय के आदेश पर कभी भी मुकदमा इब्राहिमपुर थाने में मारपीट का 3 के विरुद्ध लिखा जा सकता है। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज, सहयोगी शुभम शर्मा के साथ अंबेडकर नगर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कशोधन, नगर पंचायत इल्तिफातगंज, अध्यक्ष पद प्रत्याशी पति रेणु देवी। मैं आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती एवं रमजान माह की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। मैं सभी से अपील एवं अपेक्षा करता हूं कि आने वाले 11 मई चुनाव में आप सब रेणु देवी का सहयोग करिए, हमें आप सभी से यही अपील है। धन्यवाद। नगर पालिका परिषद अकबरपुर से नाजरीन बेगम प्रत्याशी नाजरीन बेगम को अपने कीमती वोट देकर के सभी साथियों से निवेदन है कि विजय बनाए और आप नगर के विकास के लिए हमारा सहयोग करें। ये आपका बेटा, आपका सेवक, आपका खादिम हाजी मोहम्मद अकमल चुन्नू आपसे गुजारिश कर रहा है, निवेदन कर रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं ललित मोहन श्रीवास्तव, सभासद सैयदपुर, प्रत्याशी चेयरमैन अकबरपुर नगर पालिका परिषद। मैं नवरात्र और हिंदी नववर्ष और पवित्र रमजान के सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं।